अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी ये वीडियो है वो हम कढ़ाई है, मैं आज कढ़ाई बनाने वाली हूँ अपने चैनल पर। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद है। प्लीज़ जो अभी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ क्या क्या हम डाल रहे हैं कढ़ाई में। सबसे पहले हमने ले लिए प्याज, 3 बारीक कटे हुए प्याज, बारीक नहीं नॉर्मल काट लें, और 4-5 मिर्चें, 1 नींबू, अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटर है, चिकन है 1 किलो। फर्स्ट हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने डाल लेने हैं ऑयल, मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें मैं डाल देती हूँ प्याज, प्याज डाल दिया, लहसुन को थोड़ा पेस्ट कर देते हैं। हम इन प्याजों को ब्राउन कर लेंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद हम इसमें डालेंगे चिकन। अभी हम प्याज ब्राउन होने देते हैं। सही, आप देख सकते हैं प्याज ब्राउन हो चुके हैं, लाइट ब्राउन हो गए। हमें इसको थोड़ा सा और ब्राउन करना है, फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, चूल्हे को अच्छा कर लेंगे और ध्यान से डाल देंगे। हम अच्छे तरीके से भून लेंगे, जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो आपने इसको ऑयल में भूनना है, और साथ में इसमें नमक ऐड कर देना ताकि जब ताकि ये बोटियाँ अंदर से चिपकी ना हो। जब तक ये ब्राउन हो रहा है आपको मैं बता देती हूँ इसमें कौन कौन से मसाले डलेंगे। ये सारे घर के मसाले हैं, ये लाल मिर्च 1 और आधा चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, धनिया 1 और आधा चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, नमक हसबे जायका। तो हम चूल्हे को तेज कर लेंगे ताकि अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, और जो भी प्याज हुआ कलर है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं ये ब्राउन होना शुरू हो गई, ये बिल्कुल लाइट से ब्राउन हो गई। अब मैं इसको ज़्यादा भून वो फ्राई नहीं करना, ऑयल में कड़क नहीं करना, क्रिस्पी नहीं करना। अब हम इसमें डाल लेते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर, और साथ ही हम इसके अपने मसाले भी डालेंगे।
आप इसमें चाहें तो कढ़ाई मसाला बाहर का मंगा के डाल सकते हैं, तो मैंने तो घर के मसाले से ही बना रही हूँ कढ़ाई। आप लोगों को जैसे सही लगे वैसे मैंने ये भुन रहा है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छा है। इसको देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब हम थोड़ी देर दम पे इसको रख देंगे, दम वाली आग नहीं करेंगे, नॉर्मल दम पे हम इसको रख देंगे थोड़ी देर, ताकि टमाटर नरम हो जाए। हमने इसको दम पे रखा था, अब हम इसको भून लेंगे क्योंकि टमाटर भी आप देख सकते हैं नरम हो गए, अभी आराम से भुन जाएंगे। और आप देख सकते हैं इसकी कलर भी कितना अच्छा आ रहा है। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, 10-15 मिनट इसको भून लें, ताकि जो खड़े खड़े टमाटर नज़र आ रहे हैं ये आपको भूनने से ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल अंदर घुल जाएंगे। अगर हम इसको ढकते ना तो ये चिकन ऐसे जैसे अभी चिकन का पानी छोड़ा चिकन में वो ना छोड़ते, और हम इसको फौरन से भूनते जैसे बोटियाँ भी टूट सकती थी ज़्यादा भूनने से, इसलिए थोड़ा देर कैसे छोड़ते। इसी खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है, आप चाहें तो उसमें दही भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरी आप टमाटर बिल्कुल अच्छे तरीके से भून गए, अच्छी सी थिक सी ग्रेवी बन गई है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे दही, दही को आपने अच्छे तरीके से ऐसे फेंट लेना है। इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे ताकि इसके ऊपर अच्छी सी वो साल कढ़ाई घी छोड़ दें, तो फिर हम इसको उतार लेंगे और हमारी कढ़ाई तैयार है। मेरी कढ़ाई बनके तैयार हो गई है, आप ये देख सकते हैं, ये मैंने सर्व कर दिया। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ, जिसके साथ भी आपको पसंद है उसके साथ खा सकते हैं, बहुत मज़े की बनी है। हम तो लगे हैं इसको खाने, आप भी जाएं बनाएं और खाएं।